जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से प्रस्तुत सत्यवाणी। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यह माँ कामाख्या का मंत्र है। जो भी व्यक्ति रोजाना इस मंत्र को जप करता हो, इस मंत्र का पाठ करके माँ कामाख्या को अपने घर से ही प्रणाम करता हो, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माँ कामाख्या के शास्त्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस मंत्र को याद करके माँ कामाख्या का स्मरण करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फल का सिद्धांत। हर व्यक्ति कहता है, अधिकतर जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान ले लेता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिकवादी ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हो जाता है वह यह कहता है कि बेटा जैसा कर्म करके आए हो वैसा ही फल मिलता है। साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, मठाधीश हो, महंत हो, वो एक ही चीज बोलता है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में आप भोगते हो। यानी जैसा कर्म करके आए हो वैसा ही फल मिलता है। अब इसको दूसरे रूप में अपन समझने का प्रयास करें, उदाहरण के रूप में, तो खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। पहले बीज बोना पड़ते हैं और फिर फल की प्राप्ति होती है। या फिर और दूसरे तरीके से आप समझ लो, आज के आधुनिक तरीके से, कि हम मोबाइल के अंदर नेट पैक चार्ज करवाते हैं, तो जैसा नेट पैक रिचार्ज करवाया है वैसा ही चलेगा, यानी 2G 3G 4G 5G वैसी ही स्पीड आपको प्राप्त होगी। या फिर और एक और तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करें कि जिस रेल में आपको सफर करना है, उस रेल का, जिस क्लास का टिकट आप पहले से कटा के आए हो, उस ट्रेन में, उस रेल में, उसी डिब्बे में आप बैठोगे हो। यानी जनरल टिकट कटाया है तो जनरल में बैठना है आपको, यदि रिजर्वेशन का कराया है तो रिजर्वेशन में, और यदि फर्स्ट क्लास या एसी का करवाया है तो फर्स्ट क्लास या एसी में ही तो बैठोगे। तो पहले टिकट कटाना पड़ता है, उसके बाद आप उसका उपभोग कर सकते हो। तो अपनी जिंदगी भी इसी प्रकार से, आप जो पिछले जन्म में काट करके आए हो, जैसा बो करके आए हो, वैसा ही फल इस जन्म में आपको प्राप्त होगा। और उदाहरण के रूप में आप समझने का प्रयास करें कर्म फल के सिद्धांत को, कि एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट में पहले टोकन कटाना पड़ता है। यदि आपने 4 समोसे का टोकन कटाया तो आपको वही तो मिलेगा, रबड़ी थोड़ी मिलेगी। और यदि रबड़ी का टोकन कटाया तो आपको रबड़ी ही मिलेगी। तो जैसा टोकन कटाते हैं अपन, वैसा ही अपनों को भोजन रेस्टोरेंट में प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कर्म फल के सिद्धांत में, कि आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। लाख प्रयास करिए, भाग्य में नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। करते रहिए प्रयास, पूजा पाठ करने से भाग्य में कुछ वृद्धि हो सकती है। कर्म फल जो मिलना है उस फल में वृद्धि हो सकती है। जैसे मान लो आपको कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष क्षण में, विशेष दिन में आपको 1000 रुपए प्राप्त होना है, और यदि आपने कुछ विशेष प्रयत्न कर लिए, इष्ट देवता के जप कर लिए, अपने ग्रह नक्षत्रों के जप कर लिए, हवन पूजन करा लिया, तो वो 1000 मिलने के बजाय 10000 रुपए भी आपको मिल सकते हैं। वो बशर्ते कि उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। कर्म फल के सिद्धांत का एक और उदाहरण आप समझ लें। कैसे समझें? कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर एक आम लगा हुआ है। सबसे पहले आपके शरीर की आंख ने उस आम को देखा, पेड़ पर फल को देख लिया। अब आम तोड़ने की इच्छा हुई तो पेड़ उस शरीर को लेकर के आम तक लेकर के गए फल तोड़ने के लिए। हाथों ने फल को तोड़ लिया पर खाया नहीं, मुंह ने उस फल को खाया पर जिसने खाया उसने पेट में चला गया, रखा नहीं अपने पास में हाथ ने, मुंह ने, वो पेट में फल चला गया। और जब माली ने देखा कि मेरे इस फल को इसने खा लिया तो उसने पीठ पर डंडे देना चालू कर दिए।
अब जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए। तो सबसे पहले किसने देखा था? आंखों ने उस फल को देखा था। तो फल यही आंखों से आंसू निकलना ही कर्म फल का सिद्धांत है। जितने भी और बीच में इसमें शामिल हो गए, हाथ भी, पैर भी, मुंह भी, पेट भी और पीठ भी, उनका कोई दोष नहीं था, पर उनने भी इनको भोगा। यानी कि ये सब आपके शरीर के अंग हैं। शरीर के अंग का मतलब हो गया परिवार के सदस्य हैं। तो आपके कर्म फल का अल्टीमेटली उसी को ही भोगना पड़ता है जिसने उस फल को देखा था। तो जैसा कर्म करके आए हैं वैसा ही फल आपको भोगना पड़ता है। समझने का प्रयास करिएगा। किसी को दोष मत दीजिएगा, ना अपने माता जी को दीजिए, ना पिताजी को दीजिए, ना भाई को दीजिए, ना पत्नी को दीजिए। आप अपना भाग्य स्वयं लिखा के लाए हैं। आपकी जन्म पत्रिका है, वही आपका भाग्य है। उस जन्म पत्रिका को अच्छे से किसी अच्छे ज्ञानी से, किसी अच्छे विद्वान से पढ़वाइए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपका इष्ट कौन है? आपका सबसे खराब ग्रह कौन सा है? आपका सबसे खराब नक्षत्र कौन सा है? किसकी मुझे पूजा करना चाहिए ताकि ताज जिंदगी में सुखी रह सकूं? कर्म फल के सिद्धांतों के अनुसार पिछले जन्म के कर्म का भोगते हुए इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करना है ताकि अगला जन्म फिर आपका अच्छा हो, आपके खाते में अच्छे कर्म बैंक बैलेंस होकर के जाए, ताकि अगले जन्म में उनका फल की प्राप्ति आपको ईश्वर दे। हम ऐसी कामना करते हैं। माँ कामाख्या से प्रार्थना करते हैं कि आपको समृद्ध रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और आनंदमय जीवन में रखे। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ कामाख्या जो है आपकी इच्छा कामना को पूरी करने वाली है। निश्चित तौर से कामना अवश्य पूरी होती है। बस इस मंत्र का रोजाना आप जप करते रहें और सत्कर्म करते रहें, सत्कर्म के लिए और लोगों को प्रेरित करते रहें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।